आप सभी का एलिस शिवा चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दो दियों से कान्हा जी के लिए माखन मटकी बनाना सिखाऊंगी। दिए को गीला करके मैंने एक दिए में पेचकस की सहायता से छेद कर लिया है। अब मैं बोल पुट्टी का डोस तैयार करूंगी। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, इकट्ठा नहीं डालना, ये पतली हो जाएगी। इससे थोड़ा थोड़ा डालना है, फिर चम्मच की सहायता से इसे घुमा देना है, पानी को मिक्स करना है। हाथों से करेंगे तो ये सारा हाथों पे आ जाता है, बाद में इसे हाथों में लेना है और इस तरीके से इसे मिक्स करना है। फिर इसके बाद दियों पे इसका पतला पेस्ट लगाना है और इसे सुखाने के लिए रख देना है। इसके बाद मैंने इस पर थोड़ी थोड़ी वॉल पुट्टी लगाई है और पानी की सहायता से इसे फैलाते जाएं। अब इसके सेकंड पार्ट पे भी ऐसे ही वॉल पुट्टी से कवर कर लें। इसे आपको वॉल पुट्टी लगा देनी है। अब हांडी का ऊपर का मुंह बनाना है थोड़ी सी वॉल पुट्टी लेकर के। हाथों पर हल्का हल्का पानी लगा के इसे सेट करते रहें। अब इन्हें धूप में सूखने के लिए रख दें। सूखने के बाद वॉल पुट्टी की सहायता से इन्हें आपस में जोड़ दें। थोड़ी थोड़ी वॉल पुट्टी आपको इसके बीच जॉइंट पे लगाते रहना है और हल्का हल्का पानी इससे सेट हो जाएगी। इसे पूरा कवर कर देना है अच्छे से। जब ये सूख जाए अच्छे से तो इसे रेता से घिस देना है। ये एक सार हो जाएगी, जहाँ जहाँ से ऊंची नीची है आप इसे रेगमाल से घिस दें। अब आपको थोड़ी सी वॉल पुट्टी लेनी है और हांडी का ढक्कन बनाना है। छोटी सी गोली बना के इसके ऊपर जॉइंट कर देंगे। अब इसके ऊपर कलर करना है हमें। आपको जो कलर पसंद है आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसे हाफ कवर कर दिया है। हाफ मैंने येलो कलर लिया है और हाफ गोल्डन। मटकी पे कलर करने के बाद इसे डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैंने मैरून कलर की चैन लगाई है, मोती वाली। उसके बाद फिर मैंने गोल्डन मोती की चैन लगाई है, फिर दोबारा मैरून की लगाई है और इसके बाद मैंने बॉल चैन का यूज़ किया है। ये मैंने 3 बार लगाई है। जब भी हम इस तरीके का वर्क करते हैं, जैसे मोती वगैरह चिपकाने हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले थोड़ी देर फेविकोल लगा करके छोड़ देना। इससे क्या होता है, थोड़े फेविकोल जो है वो गाढ़ा सा हो जाता है, तो हमें लगाने में इसमें मतलब चिपकाने में आसानी होती है, वो आराम से उसे पकड़ लेता है। यहाँ मैंने हाफ मोती लगाए हैं वाइट कलर के। इजीली मार्केट में ये मिल जाएंगे आपको। अब आपको हांडी के ढक्कन पे कलर करना है। इसके बाद बॉल चैन का यूज किया है मैंने यहाँ पे।
चिपकाने के बाद इसे सूखने दें। मटकी लटकाने के लिए अब मैं छीका तैयार करूंगी। हमारे यहाँ इसे छीका बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। वॉल पुट्टी की सहायता से मैंने छीका तैयार करूंगी। आप चाहें तो गत्ते का भी बना सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे उस तरीके से मटकी लटकाने के लिए छीका तैयार कर लें। अब इसे सूखने दें। सूखने के बाद इसे रेगमाल से घिस लें और उसके बाद आपको कलर करना है। मैंने यहाँ पर रेड कलर किया है, आपको जो पसंद है आप वो कलर कर लें। यहाँ पे मैंने मोती पिरो करके एक मजबूत से धागे में छीके के लिए डोरी तैयार की है। इस तरीके से आपको डोरी बांध लेनी है छीके में। तीन डोरी तैयार की है मैंने, ये तीनों बांध दी हैं। इसके बाद मटकी रख के इस पर साइज नाप लेंगे और इसे ऊपर की तरफ से भी बांध देंगे। तीनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। अगर आपको कान्हा जी की माखन मटकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद।